पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि ज़िले बस्ती के आवाम के बिला तफरीक रंग नस्ल खदमत करना और हकदार को बिला ताखीर हक दिलवाना हमारी अव्वलिन तरजीहात में शामिल है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि गुज़श्ता दौर में आवाम के खदमत के दावेदारों ने बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन के हकूक़ को गस्प कर लिए थे, जिसके बिना पर रिटायर हो जाने और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन और उनके वर्षा को बर वक्त वाजबात अदा नहीं किए जा सके और वो परेशान हाली का शिकार हुए, लेकिन अब वो रकम उनके मुंह से छीनकर हकदारों को अदा की जा रही है और आइंदा रिटायर होने वालों पर रिटायरमेंट के वक्त वाजबात की अदायगी में ताखिर नहीं होगी। डॉक्टर आसिम ने मजीद कहा कि मैं ज़िला बस्ती में रहता हूँ, मेरा दिल ज़िला बस्ती के आवाम के साथ धड़कता है, इसलिए ना सिर्फ मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ बल्कि बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन के हकूक भी दिलाने में अपना पूरा किरदार अदा करता रहूँगा। डब्ल्यूसी डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला बस्ती ताहा सलीम ने इस्तकबालिया तकरीब में डॉक्टर आसिम हुसैन की जानिब से बल्दिया बस्ती की OZT की रकम 8 करोड़ रुपये के इजाफे के लिए की जाने वाली कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हुए मुस्तकबिल में भी तआवुन जारी रखने की तवक्को जाहिर की। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर आसिम हुसैन के तआवुन से बल्दिया बस्ती को मिलने वाली OZT की रकम में कातिफा इजाफा मुमकिन हुआ, जबकि डॉक्टर आसिम की कोशिशों से ही बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन की तनख्वाहों में ऐलान करदा इजाफा जो कि 45% के करीब है जारी किया जा सका। ताहा सलीम ने बताया कि 109 रिटायर्ड मुलाजमीन को 7,07,51,000 रुपये तकसीम किए गए। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बस्ती के सदर मसरूर अहसन, म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया बस्ती जाहिर हुसैन रैंद भी मौजूद थे। तकरीब के खिताब पर डॉक्टर आसिम हुसैन और डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने मुलाजमीन के वाजबात के चेक उन्हें पेश किए। उमदा में पकाएं और जी भर के खाएं।